हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीआरके वीडियोस में। यदि दोस्तों मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू जीआरके वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अभी तक क्या आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ यूज़फुल वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सभी वीडियो यूज़फुल है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म लोन, पर्सनल लोन और आपको इंस्टेंट कैश यहाँ से मिल सकती है। यदि आप एक बार ये वीडियो को विजिट करके एक बार देख लेते तो आपको यहाँ से इंस्टेंट कैश मिल जाएगा फ्रेंड्स। बढ़िया एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से मैंने इसे लाया है फ्रेंड्स। आपके लिए बढ़िया एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा। कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसी बेस पे फ्रेंड्स आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक एक बढ़िया टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा फ्रेंड्स जो आपको लोन लेने में मदद करेगा फ्रेंड्स। यदि आपको कुछ कोई भी लोन चाहिए, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, तो आपको फ्रेंड्स बैंक टू बैंक विजिट करना पड़ता है। यहाँ पे कोई या फाइनेंस कंपनी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपको कौन से बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी कितनी EMI आएगी, ठीक है, उनकी प्रोसीजर क्या होती है, सभी डिटेल्स आपको नहीं पता होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप एक ऐसा एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेके आया जो बैंक लोन फाइंडर, यानी आपको कोई भी लोन चाहिए फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको इंस्टेंट आप वेरीफाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से बैंक से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कितनी EMI रहेगी और उसके बाद में फ्रेंड्स आपका टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है, प्रोसेसिंग कैसी रहती है, कितना डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगता है फ्रेंड्स, सभी डिटेल्स ये एप्लीकेशंस आपको हेल्प करता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे बैठे यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4.2 की इसकी रेटिंग है, 100K लोगों ने इसे अभी तक के डाउनलोड किया है। ठीक है, यानी अच्छी रेटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है, कोई फेक नहीं है, बढ़िया एप्लीकेशन है। देखिए इनका एक इंटरफेस है यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन के अंदर जो इंटरफेस है यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, आप पर्सनल लोन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंपनीज दी हुई है, ठीक है, कौन से कंपनी का कितना रेट है, आपको 2.5 लाख रुपए के लिए कितनी EMI आएगी 2 साल के लिए, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यानी जैसे आप यहाँ पे बैठे बैठे मोबाइल से वेरी कर सकते हैं कि आपको कौन से कंपनी से लोन लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से सीधा इसे ओपन करता हूँ और बाकी डिटेल्स मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंड्स, तो वो भी आप एक बार रीड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वो एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो इनके टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे एग्री करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, मैं इसे टिक करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको कौन सा लोन चाहिए, सबसे पहले तो आपको कौन सा लोन यहाँ से लेना है, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कार लोन। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल लोन। ठीक है, पर्सनल लोन सिलेक्ट बैंक, आप यहाँ से कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं यदि यहाँ पे एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यदि मुझे 2 लाख रुपए की लोन की अमाउंट चाहिए। ठीक है, और आप कितने दिनों के लिए लेना चाहती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो मैं यहाँ पे 3 ईयर्स यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे शो इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे ये आपको इंटरेस्ट रेट शो कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 15% से आपको एक्सिस बैंक पर्सनल लोन दे रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे यदि आपको 2 लाख रुपए चाहिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए के लिए 6,933 रुपए EMI आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप सेम प्रोडक्ट रखते हैं और इसे बैंक चेंज कर देते हैं, यदि आप बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहते तो देखते फ्रेंड्स यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 15% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। यानी फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बैठे बैठे वेरी कर सकते हैं कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना है। और एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे होम लोन का चेक कर लेते। होम लोन का फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको कितने सालों के लिए, यदि मैं यहाँ पे 10 लाख रुपये का होम लोन लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 साल के लिए लेता हूँ, तो मेरे को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। देखिए यहाँ पे 8.65 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10 साल के लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स 12,400
79 रुपये यहाँ पे आपको मंथली किस्त भरना होगा, यानी इक्विटेड मंथली ईएमआई जो आपको हर एक महीने को पे करना होता है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स ये ऐप्स आपको हेल्प करेगा, कोई भी लोन आपको चाहिए तो आप यहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं, यानी आपको कोई भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी साइट पर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलो फ्रेंड्स देखिए इसे एक थोड़ा आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे पर्सनल लोन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एक्सिस बैंक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपए चाहिए एक्सिस बैंक से, ठीक है, और मैं इसे अभी 3 साल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। 2 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं, 6,933 रुपए इसकी ईएमआई आएगी 3 साल के लिए, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट फ्रेंड्स आपका जा रहा है यहाँ पे 49,590 रुपए, ठीक है, नियर अबाउट 50,000 तक के आपका इंटरेस्ट यहाँ पे 3 सालों में आपको पे करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं यार टोटल अमाउंट आपको पे करना है 2,49,590 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स पे दिया हुआ है, डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये ऐड है, इसे आपको कैंसिल करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे 16% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सुपर कैट है 15%, ये फ्रेंड्स कंपनी कैटेगरी होती है, यदि आप कैट ए कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको 16% यहाँ पे लगेगा, सुपर कैट ए कंपनी में आप जॉब करते हैं तो 15%, या कैट बी कंपनी में आप जॉब करते तो आपको 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से लगेगा, ठीक है। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स यदि आपको लोन के लिए इनको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कांटेक्ट मी फॉर लोन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अभी आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप ये एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे पूरा डिटेल मेरा फिलअप कर लूँगा, मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेरा मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जेंडर फ्रेंड, उसके बाद में मैरिजल स्टेटस, ये सभी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ फ्रेंड्स और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिलअप कर लेते हैं, यहाँ पे आपको रेसिडेंस डिटेल फिलअप करना है, ठीक है। आप कौन से, व्हाट इज़ योर रेसिडेंस टाइप, यानी आपका खुद का घर है, रेंटेड है, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आपका करंट रेसिडेंस, ठीक है, आप कितने सालों से रह रहे हैं ये सिलेक्ट कर लीजिए। ईयर इन करंट सिटी, कितने सालों से आप एक करंट सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। योर करंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे इन डिटेल आपको फिलअप करना है। आपका पिन कोड नंबर, आपका स्टेट, उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी सिटी, और इसे नेक्स्ट करना है। ये सभी डिटेल्स मैं फिलअप कर लेता हूँ और इसे नेक्स्ट करता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके वर्क से रिलेटेड और आपके फाइनेंशियल डिटेल्स इनको चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये पूरा डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पे देखिए वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कौन से, आपकी कंपनी क्या है, ठीक है, आप कौन से कंपनी में जॉब करते हैं। आपका यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पैन नंबर डालना होगा। यहाँ पे इनकम टैक्स आप फाइल करते होगे तो यस, और नहीं करते होगे तो नो क्लिक करना है। आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जॉब टाइप, फ्रेंड जॉब टाइप में आपको, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस, कितने सालों का वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे है। जॉब एक्सपीरियंस इन करंट कंपनी, अभी करंट कंपनी में आपको कितने सालों से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स यदि आप सैलरीड है तो आपको आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पे डालना है, जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है वहाँ पे, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस का पिन, ऑफिस का स्टेट, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफिस की सिटी, ठीक है। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग क्रेडिट कार्ड, यदि आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड है तो आप ये बॉक्स में टिक कर सकते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसे नहीं टिक कीजिए। आई विल डू ड्यू डिलीजेंस बिफोर अवेलिंग लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सभी डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको इसे वेरीफाई मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है इसे आपको वेरीफाइड करना है, तो ये सभी डिटेल्स मैं यहाँ से अभी फिलअप कर लेता हूँ और इसे वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर नेक्स्ट करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको क्लिक करना है, ठीक है, जो ये अभी आपसे पिकअप करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें से आप एक कोई भी
इसकी डॉक्यूमेंट आप रेडी रख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लाइसेंस एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, ठीक है, और ये 3 महीने पुराना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पुराना इसे चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया है, और उसके बाद में सैलरी स्लिप 3 मंथ की दी आप सैलराइड है तो फ्रेंड्स, ठीक है। ये सभी डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसे सबमिट कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जैसे ही सबमिट कर दिया, यहाँ पे ये मेरी ये रिक्वेस्ट अभी इनको सबमिट हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी ये जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, ये मुझे कांटेक्ट करेंगे। आप यदि ये डिटेल फिलअप करके ऐसा करते तो आपको भी यहाँ से कॉल आ जाएगा फ्रेंड्स कि आपको बैंक से लोन कितने परसेंट में मिलेगा, कब तक के आपके डॉक्यूमेंट हम पिकअप करेंगे और आपको क्या करना है नेक्स्ट प्रोसीजर, ये सभी डिटेल्स ये ऐप्स में आपको पता चलेगी फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन काम करता है, ठीक है। तो अभी आपको ये फ्रेंड्स यदि ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो इसे डाउनलोड करके यूज़ कीजिए, ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। और जैसे आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ ये बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलो गुड बाय।